हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4 एंड वेलकम टू योर मैथमेटिक्स क्लासेस. माइसेल्फ प्रदीप गुप्ता सर. वर्ग 4 के बच्चों का गणित की कक्षा में मैं प्रदीप गुप्ता सर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ. डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न द लेसन 7 डिवीजन ऑफ नंबर्स. बच्चों, आज हम लोग पाठ 7 पढ़ने वाले हैं. पाठ का नाम है डिवीजन ऑफ नंबर, संख्याओं में भाग, संख्याओं के भाग हम लोग पढ़ेंगे. तो डिवीजन ऑफ नंबर्स में पहले कुछ जो टर्म्स हैं जिसको हम लोगों ने पहले ही नीचे क्लास में सीख रखा है, आइए एक बार उसको दोहरा लें. चलिए, तो दोहराने के लिए एक छोटा सा हम लोग डिवीजन बनाते हैं. सपोज 5 divided by 5 divides 30 या 30 divided by 5. अब कैसे करोगे? तो यहाँ पर हम लोग डिवीजन में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शंस में हम लोग 1 से शुरू कर रहे थे. डिवीजन में उल्टा करते हैं. डिवीजन में जो सबसे बड़ा नंबर होता है प्लेस वैल्यू, वहाँ से शुरू करते हैं. तो यहाँ हमारा है, यहाँ ये 1 है और ये 10 है. तो हम 10 से शुरू करेंगे. किससे शुरू करेंगे? 10 से शुरू करेंगे. चलिए तो 10 से शुरू करते हैं. तो 10 में 3 है और डिवाइजर हमारा 5 है. तो 3 इज लेस देन 5. तो रूल सीख लीजिए कि एक सिंपल सा रूल हम सिखा देते हैं जिससे कभी भी आपका डिवीजन गलत नहीं होगा. तो हर एक नंबर को हमको डिवाइड करना है, हर एक डिजिट को डिवाइड करना है. ठीक है, तो उसके पहले हम लोग एक थ्योरी जो मल्टीप्लिकेशन पढ़े थे कि नंबर मल्टीप्लाई 0 = 0, ये आपको याद रखना है कि नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो 0 होता है. याद रहेगा? तो मैंने कहा कि हर एक को हमको क्या करना है, डिवाइड करना ही करना है, चाहे वो 0 से ही क्यों ना हो. तो जब छोटा होगा 3 less than 5, तो स्टूडेंट्स तो हर डिजिट को डिवाइड लगाना है. तो 3 is less than 5, जब छोटा होगा तो 0 टाइम लगा दीजिएगा. तो 5 को जब 0 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 और 0 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 3, और इस नंबर को 1 को अब इसके बगल में उतार दीजिए. तो अब आपका हो गया 30. और 5 का टेबल पढ़िए तो 5 6 30, 5 6 30, 0 0. इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप देख रहे हैं कि एकदम बिल्कुल जो 6 आया 1 के सामने आया. तो आपको कभी आपको आंसर बताने में दिक्कत नहीं होगा. जो जिसके सामने होगा 1 के सामने, तो 6 1 6 आंसर. तो आपका कोशियंट, अब आते हैं बारी बारी से. ये जो हुआ आपका, ये इसको हम लोग कहते हैं कोशियंट. क्या कहते हैं? कोशियंट कहते हैं. तो 6 हो गया हमारा कोशियंट, ये कोशियंट हो गया 6. नीचे जो 0 बचा, ये 0, इसे हम रिमाइंडर कहते हैं. क्या कहते हैं? रिमाइंडर. ये रिमाइंडर, ठीक है. द रिजल्ट ऑफ द डिवीजन इज कॉल्ड क्वेश्चन. द नंबर विच इज लेफ्ट अनडिवाइडेड इज कॉल्ड रिमाइंडर. ये जो 5 हुआ जिससे हमने भाग लगाया था, ठीक है, इसे हम डिवाइजर कहते हैं. क्या कहते हैं? डिवाइजर कहते हैं. यह 30 जो हुआ जिसमें हमने भाग लगाया था, उसे हम डिविडेंड कहते हैं. क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं. क्लियर? तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहां पर देखा. यहां बुक में बगल में क्वेश्चन लिखता है, आप लोग बगल में नहीं लिखिएगा, आराम से आप ऐसे बनाइए, कभी दिक्कत नहीं होगी. 8 लिखिए,
यहाँ फोर लिखिए, टू लिखिए, फोर स्मॉलर है, फोर इज स्मॉलर देन एट, इससे स्मॉलर हो जाएगा तो जीरो टाइम लिखिए, यहाँ जीरो लिख करके घटा लीजिए। इस स्टेप को जब करिएगा तो कभी भी कहीं भी बड़े बड़े नंबर को डिवीजन करने में कभी दिक्कत नहीं होगी। अब 42 हो गया तो 81 जा 8, 82 जा 16, 83 जा 24, 84 जा 32, 85 जा 50, तो 85 जा 40 यहाँ पर हो गया हमारा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 बच गया। द रिमाइंडर इज 2, क्वेश्चेंट इज 5, डिवाइजर इज 8 एंड डिविडेंड इज 42। ठीक है, तो यहीं लिखा हुआ है डिविडेंड हमारा 42 है, डिवाइजर 8 है, क्वेश्चन 5 है, रिमाइंडर 2 है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अब प्रॉपर्टी है, किसी भी नंबर में जब 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा नंबर ही आंसर हो जाता है। तो 8 को 1 से डिवाइड किए तो 8 आंसर, 25 को 1 से डिवाइड किए तो 25 आंसर, 175 को 1 से डिवाइड किए तो 175 आंसर। रूल नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2, नंबर को जब नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा एक आएगा। तो 7 को 7 से डिवाइड किए तो 1, 12 को 12 से डिवाइड किए तो 1, 150 को 150 से डिवाइड किए तो 1, किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करने पर 1 होता है। प्रॉपर्टी नंबर 3, जीरो में जब किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, जीरो डिवाइडेड बाई एनी नंबर देन रिजल्ट बी जीरो, तो जीरो को 3 से डिवाइड किए तब भी जीरो, जीरो को 26 से डिवाइड किए तब भी जीरो, जीरो को 250 से डिवाइड किए तब भी रिजल्ट हमारा क्या होगा, क्वेश्चन हमारा जीरो होगा। तो दीज आर द 3 प्रॉपर्टीज, इसको आपको याद रखना है कि नंबर में 1 से डिवाइड करने पर नंबर, नंबर को नंबर से डिवाइड करने पर 1, जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर 0। ठीक है, अभी कैसे डिवीजन आप करेंगे तो मेरे शैली में कीजिएगा आप लोग डिवाइड। आप यहाँ 12 लिखिए, यहाँ 96 लिखिए। अब 12 बड़ा है, 9 छोटा है, यहाँ पर 0 टाइम डालिए, 9 इसको यहाँ पर नीचे उतार दीजिए 6। अब 12 का टेबल पढ़िए तो 12 एट जा 96, ये क्रॉस नहीं करिएगा, इसके लिए भी हम मना करते हैं, क्रॉस बच्चों को नहीं सिखाते हैं हम, आपको जीरो लिखना है हमेशा, क्योंकि क्रॉस कोई नंबर होता ही नहीं है, नंबर जीरो होता है, सिक्स में से सिक्स माइनस हो गया तो जीरो बचता है, क्रॉस नहीं बचता है। तो ये दो चीज़ आपको यहाँ नहीं लिखना है और एक क्रॉस नहीं लिखना है। तो क्वेश्चन कितना हो गया हमारा, क्वेश्चन हमारा 8 हो गया, रिमाइंडर कितना हो गया, रिमाइंडर यहाँ 0 हो गया। ठीक है, बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, अब यहाँ पर जब होता है तो बड़ी पर कन्फ्यूजन हम लोग आते हैं, मैं इस तरह करूँ, 29 है, 608 लिखो, और 29 बड़ा है 6 छोटा है तो 0 टाइम में लगाओ, 0 यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दो 6 हो गया, अब इसे उतार दो तो मेरे पास 60 हो गया। अब 29 का टेबल तो आपको याद होगा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है इसको राउंड करते हैं कि किसके बगल में है ये, तो 29 30 के बगल में है, 29 किसके बगल में है, 30 के बगल में है, तो हम 3 का टेबल पढ़ेंगे और उस पर एक जीरो डालेंगे तो 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, मतलब 60 के लगभग हो गया, मेरे पास 60 ही है तो इसका मतलब हो गया कि ये 2 टाइम्स जाएगा। अब इस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देना तो 29 जा 18 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2, ठीक है, और ये 5 बचिया, 5 में से 5 गया तो 0, 0 ये क्रॉस नहीं, मना करते हैं हम क्रॉस के लिए हम। अब इसको यहाँ पर उतारो 8, ठीक है। अब बच्चे यहीं पर तुम नहीं मेरा रूल सीखे होते तो तुम्हारा गलत हो जाता, तुम यहीं पर 2 छोड़ के छोड़ देते, इसलिए हमने कहा कि नहीं, रूल यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब 28 हो गया,
अब मैंने कहा कि नहीं, हर बार एक डिवाइड लगाना है, जब भी एक नंबर लिखेंगे डिवाइड लगाना है। तो 28 छोटा है 29 से, तो मैंने क्या सिखाया था कि जीरो टाइम्स लगाओ, ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जीरो, ये जीरो हमने कर दिया, जीरो को माइनस कर लो तो 28 रिमाइंडर। तो ये यूनिफॉर्म प्रोसेस है कि हर स्टेप में, हर स्टेप में हम लोगों को एक समान काम करना है, कभी देख रहे हो कभी अलग काम नहीं हो रहा, हमेशा एक जैसा काम हो रहा है। तो हमारा क्वेश्चन हो गया 20 और रिमाइंडर हो गया 28, ठीक है। बुक में जो सिखाए हुए हैं, बुक वाले को देखोगे तो देखोगे कि बुक वाले में क्या है कि बुक वाले में देखोगे तो कभी वह जीरो लिखेगा, कभी वह जीरो नहीं लिखेगा, तो बच्चे कन्फ्यूज कर जाते हैं। तो बच्चों जैसे हम सिखा रहे हैं वैसे करोगे, कभी कन्फ्यूजन में आप नहीं आओगे। चलो अब इसको देखते हैं, 79 है 8058। अब 79 पहले बारी बारी से 8 है तो छोटा है तो जीरो डालो, यहाँ जीरो माइनस कर लो, 8 हो गया जीरो। अब ये वन टाइम में, क्योंकि 80 के बगल में है, 80 यहाँ पर है तो वन टाइम में लगेगा, तो 79 लिखो माइनस करो तो वन आ गया, ये जीरो हो गया। अब इस 5 को यहाँ पर लिखो तो 15, ठीक है, 15 छोटा है, 79 क्या है, बड़ा है, तो फिर से जीरो, फिर जीरो माइनस करो तो ये 15 हो गया। अब यहाँ पर इस 8 को लिखो, ठीक है, 8 को लिखोगे तो यहाँ पर 79 के बगल में 80 होता है, 81 जाए 80, 82 जाए 60। तो हम लोग करके देखते हैं टू टाइम्स में, तो 16, तो 92 जाए 18, 72 जाए 14 और 115, बिल्कुल सही हो गया, घटा दोगे जीरो हो गया। जब ऐसा करोगे तो कभी गलत नहीं होगा। तो मेरा क्वेश्चन कितना हो गया, तो 100, क्वेश्चन कितना हो गया हमारा, तो 102 हो गया, रिमाइंडर क्या हो गया, तो जीरो हो गया, ठीक है। इस तरीके से डिवीजन बनाना है बच्चों। अब एक नया चीज़ है, हम जांचेंगे कैसे, तो जांचने के लिए हमारे पास रूल होता है, रूल होता है कि डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड। डिविडेंड जो होता है, डिवाइजर को क्वोशेंट से गुना कर दो और रिमाइंडर को उसमें ऐड कर दो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारा डिवाइजर कितना है, हमारा डिवाइजर है 79, क्वेश्चन कितना है 102, और रिमाइंडर कितना है जीरो। इन दोनों को गुना करो, इन दोनों को जब गुना करोगे तो देखो, गुना करो 102 इंटू 79, 92 जाए 18, कैरी 1, 900 और कैरी 1 तो 1, 91 जा 9, 72 जा 14, यहाँ 10 से है तो 1 पेज मैंने कल सिखाया था जीरो डालना है, 72 जा 14, कैरी 1, 700, 71 जा 7, अब ऐड कर दो 8, 5, 91, 10, 0, तो क्या हुआ 8058 हुआ, और जीरो इसमें ऐड कर दो तो 8058 ही आएगा। तो हमने इसको डिवाइड किया था 8058 को, 8058 हमारे पास मिल गया। इसका मतलब है कि हम जो है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस तरीके से सारे मैथ्स को आप कर सकते हो, सारे मैथ को मेरे रूल से बनाना। चलो इसको भी एक मेरे रूल से बना के देखो, ये 96 है, 96, 396, स्टेप बाय स्टेप, पहले 9 है तो जीरो, तो जीरो लिख करके माइनस कर दो 9, अब ये उतर गया तो 6, वन टाइम में 96, जीरो, अब ये 9 आ गया,
अब 9 छोटा है, 96 बड़ा है, तो फिर मैंने कहा कि 0 करना है, घटा दो तो 9 आ गया, फिर ये 9 कर लो, ठीक है। नाइन कर लोगे, सॉरी सॉरी, यहाँ ये 9 नहीं है बच्चों, ये 3 है, ये क्या है मेरा, ये 9 नहीं है बल्कि क्या है हमारा, ये 3 है। हाँ अब हुआ सही, ये 3 हो गया, जब 3 छोटा है 96 से, तो हमने यहाँ पर कर दिया 0, यहाँ पर 0 किया, तो ये 3 हो जाएगा। अब इस 9 को उतारो, तो 39, 39 भी 96 से छोटा है, तो फिर यहाँ 0 करो, फिर 0 सबट्रैक्ट कर लो, तो इस बार 39 आ जाएगा। अब 39 में 6 को उतारोगे तो 396 होगा। अब 96 जो है 100 के पास में है, तो 4 टाइम्स में लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर इसको हम ऊपर ले जाते हैं, जगह नहीं है मेरे पास, 396 मल्टीप्लाई करो, तो 9 4 36 कैरी 3, सॉरी 9 4 का है, पहले हमको करना है 6 4 20 24 कैरी 2, 9 4 36 और 36 के बाद 37 38। अब इसको माइनस कर लेंगे तो 2 1 0, तो मेरा क्वेश्चन हो गया 1004 और रिमाइंडर हो गया 12। इस तरीके से जब बनाओगे तो फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी। एक और हिसाब बना कर देखते हैं बच्चों, 78 है, इसको 78 से डिवाइड करना है 70434 को, 4334 को, तो चलो बारी बारी से, ये 0 हो जाएगा क्योंकि 7 छोटा होता है, तो 0 करो 7, 70 भी छोटा होता है तो फिर यहाँ 0 करो, फिर 0, ठीक है। अब 4 लिखो तो 704 बड़ा हो गया, तो करो गुना, 80 के पास में जाओ, तो 9 टाइम में करोगे तो 702, 9 8 72, और 9 7 63, और 63 में 7 जोड़ेंगे तो 70, घटा दोगे तो 2। अब ये 4 तक आ गया है, यहाँ तक, तो यहाँ 0 आया हुआ है, यहाँ 4 आया हुआ है, यहाँ कौन आएगा, 3 आएगा, 3 फिर 23 छोटा होता है 78 से, तो फिर यहाँ 0 डालो, फिर क्या डालो, 0 डालो, इस बार 0 डालोगे तो यहाँ घटा करके 0 लिखोगे तो 23, फिर यहाँ पर क्या लाओगे, 4 लाओगे तो 234, 234 को करोगे तो 8 1 8 8 2 16, 8 3 24, तो 3 टाइम्स में, 80 के पास में तो 3 टाइम में, तो 8 3 24 कैरी 2, 7 3 21 और 2 23 23, इस प्रकार से पूरा ये कट के 0 हो गया। तो मेरा क्वेश्चन हो गया कितना, यहाँ कितना बचा, 0 वाले का कोई वैल्यू नहीं है, तो क्वेश्चन हमारा हो गया 903 यहाँ से आ गया, और रिमाइंडर कितना हो गया नीचे से 0, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 903। इस तरह से बनाओगे हर स्टेप में 0 के साथ, तो फिर कभी दिक्कत नहीं होने वाला है। क्या क्या नहीं लिखना है, हर स्टेप को करना है, या भाग आपको 0 से क्यों ना लगाना पड़े, ठीक है, क्रॉस नहीं करना है। दो बात का ध्यान रखना है कि जब भी एक नंबर है तो हर एक नंबर के लिए उसके सामने सामने लिखिए, इस तरह से आपको रिजल्ट मिलेगा, 100 का रिजल्ट 100 के सामने, 10 का रिजल्ट 10 के सामने, 1 का रिजल्ट 1 के सामने मिलेगा, प्लेस वैल्यू में भी कभी आपको दिक्कत नहीं होगी, इस तरीके से डिवीजन आप बनाते हैं। तो आपका ये हो गया, अब आप आसानी से इस डिवीजन लेसन को बना सकते हैं, तो आपका काम हुआ कि लेसन नंबर 16 आपको बनाना है, ठीक है, इसको सीखना है और लेसन 16 कंप्लीट करना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल हम लोग सीखेंगे यहाँ से डिवीजन ऑफ नंबर्स बाय 10, 100, 1000 एक्सेट्रा। तो बेस्ट ऑफ लक एंड कीप लर्निंग एंड प्लीज डू द होमवर्क।
डू एक्सरसाइज 16. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो लेसन्स. हैव ए नाइस डे. हेलो एंड गुड मॉर्निंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4 एंड वेलकम टू योर मैथमेटिक्स क्लासेस. डियर स्टूडेंट्स, वी हैव लर्न लेसन 6, डिवीजन ऑफ नंबर्स. And today topic, division by 10, 100, and 1,000. It is very simple. ये बहुत आसान है बच्चों. देखो जब 10 से हम लोग करते हैं, पहले हल्का हल्का पहले तुमको बताते हैं जिससे तुम आसानी से इसको समझ सकोगे. 10 से डिवाइड करो 20 को तो क्या कहते हो? जीरो. प्लस डिटेल वाला कर देते हैं तो जीरो हो गया, टू अभी आ गया नीचे उतर के, 20, 10, 2 जा 20 तो 2 आ गया. मतलब हम लोगों ने देखा कि 20 को जब 10 से डिवाइड करते हैं तो 2 हो गया. मतलब इसमें जितना जीरो है, एक जीरो यहाँ है तो एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया और केवल ये डिजिट बच गया. तो इसको हम शॉर्ट कट में ऐसे लिखेंगे कि जब भी हमको 10 से डिवाइड करना हो, ठीक है, जब भी हमको शॉर्ट में देखो 4, 5, 0, 7, 8 को हमें 10 से डिवाइड करने हैं तो क्या करेंगे? यहाँ तो जीरो नहीं काटोगे तो एक जितने जीरो हो उतने के बाद डेसिमल लगा दो और जो डेसिमल होगा वो तुम्हारा रिमाइंडर हो जाएगा. ये रिमाइंडर हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा डेसिमल वाला. यहाँ एक जीरो है तो एक यहाँ पर हो गया और बचा हुआ हमारा हो गया क्वेश्चन. क्वेश्चन हो गया हमारा 4,507 हमारा क्वेश्चन हो गया और रिमाइंडर हमारा 8 हो गया. वैसे ही यदि हमको 100 से डिवीजन लगाना है, किसे 100 से डिवाइड करना है, इसमें दो जीरो है. कितने जीरो है? दो जीरो है. देखो इसमें दो जीरो है. जब ये दो जीरो है तो इसमें अब इसको यहाँ दो के बाद डेसिमल डाल दो, डाल दिया तो ये 9,876 हमारा क्वेश्चन हो जाएगा और डेसिमल के बाद वाला 54 बचा तो 54 हमारा क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा. सिमिलरली जब हम 1,000 से करेंगे तो 1,000 में कितना जीरो है? 1, 2, 3 तो 1, 2, 3 के बाद डेसिमल लगा दो तो जो बच गया ये 456 वो हमारा क्वेश्चन हो गया और डेसिमल के बाद वाला बच गया 789 ये हमारा क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया. इतना आसान है. नंबर ऑफ जीरो काउंट करना है और वंस से गिन करके, किधर से गिन करके? वंस से गिन करके. देखो पूरा लिखा हुआ है 4, 5, 6, 7, 8, 9 डेसिमल भी यहाँ से गिनो 1, 2, 3 डेसिमल्स तो यहाँ से गिनना है 1, 2, 3 और यहाँ पर डेसिमल लाना है. इधर से नहीं गिनने लगना है, यहाँ से इस साइड से वंस की तरफ से गिन के आना है. तो इधर जो ये बच गया ये हमारा क्वेश्चन हो गया और ये जो मेरा बच गया ये रिमाइंडर हो गया. ये शॉर्ट मेथड है और लॉन्ग मेथड तो कल पढ़ाए ही थे ये वाला, ठीक है. इसमें आपको याद रखना है मेरे वाला रूल को कि यहाँ ऊपर में लिखना है, बगल में ये नहीं लिखना है, ऊपर में लिखना है और हर स्टेप के लिए करना है, चाहे वो स्टेप जीरो के लिए क्यों ना हो. इस तरीके से जब आप डिवाइड करेंगे तो बड़ी आसानी से 10,000 को आप डिवाइड कर सकेंगे. अब 80 वाले में क्या करोगे, ठीक है? तो 80 वाले हैं तो उसके लिए भी आसान है. जैसे कह रहा है कि 640 / 80 तो 80 का मतलब ही होता है 8 × 10 तो एक 10 आ गया. एक जैसे ही 10 आ गया तो इसमें से एक जीरो 10 से हटाने के लिए क्या करेंगे, एक जीरो हट गया. जैसे एक जीरो हटेगा यहाँ पर तो ये जीरो यहाँ से हट गया तो मेरा बच गया 64. अब बन गया 64/8. अब 64/8 बच गया तो हम आसानी से 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 × 64 ये हमारा आंसर हो जाएगा 8. अगले क्वेश्चन को देखो. 0/80 तो 80 में 10 है, 10 होते ही तो ये 10 का 0 हट गया तो इधर से भी 10 का 0 हट गया, दोनों तरफ से हट गया तो ये बच गया 68/8 डिवाइड करेंगे
तो 8 8 जा 64 रिमाइंडर 4, तो हमारा जो है सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो गया 8 और रिमाइंडर हमारा जो है 4 आया। अब 4 को क्या करेंगे, चूँकि इसमें 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 10 से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा रिमाइंडर, तो 40। इस तरीके से हम काम कर सकते हैं शॉर्ट मेथड में, नहीं तो लॉन्ग मेथड तो आपको हम सिखाए ही थे। चलिए लॉन्ग मेथड से बना कर देखते हैं। लॉन्ग मेथड से कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को, तो देखो 80 डिवाइडेड बाई पहला 6 है, यहाँ 80 है तो 0, तो 0 सबट्रैक्ट कर लो, 6 68 है, 80 है तो फिर नहीं लगेगा तो फिर 0, फिर सबट्रैक्ट करो 68, इस बार 0 आ गया। अब 8 टाइम में 8 8 64 सबट्रैक्ट कर लो, ये तो आपको बताए ही थे, तो 40 इज द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर इज द 8, सॉरी 8 इज द क्वेश्चन एंड 40 इज द रिमाइंडर। क्या नहीं करना है, 0 नहीं लगाना है, बगल में नहीं लिखना है, हर स्टेप के लिए काम करना है, इस रूल्स को आपको हमेशा याद रखना है। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, या बिना भाग दिए हुए बना सकते हो। एक बना के बताते हैं, 78 है, 10 से करना है तो एक डेसिमल हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा क्वेश्चन, 8 हो जाएगा रिमाइंडर, 10 से ही है, एक के बाद डेसिमल होगा, इधर से 1 से गिरना है, यहाँ पर डेसिमल करेंगे तो 45 हमारा क्वेश्चन, 6 हमारा रिमाइंडर। आप समझ ही गए होगे, इतनी आसानी से आप कर सकते हो। तो इस लेसन आपका होमवर्क हुआ, एक्सरसाइज 17 को आपको घर पर बनाना है, मेरा वीडियो पहले सुनना है, एक्सरसाइज 17 को आपको बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है, एक्सरसाइज 17 आपको बनाना है। तो ये सारे क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ तक है। तो आज के लिए इतना ही, आज ये डिवीजन लेसन के दूसरे दिन उसे 10,100 वाले को सीखिए और कॉपी में बनाइए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय। हेलो एंड वेलकम टू द मैथमेटिक्स फॉर क्लास 4। टुडेज टॉपिक इज डिवीजन ऑफ नंबर्स बाय थ्री डिजिट नंबर्स लिविंग नो रिमाइंडर एंड डिवीजन ऑफ नंबर्स बाय थ्री डिजिट नंबर विथ लिविंग विथ रिमाइंडर। कैसे करोगे बच्चों इसको, तीन डिजिट के से भाग, दो डिजिट तक का भाग हम लोगों ने कल सीखा था, आज हम लोग तीन डिजिट से भाग लगाने वाले हैं। तो कैसे करेंगे भाग, चलिए मैं बताता हूँ। सिस्टम नहीं बदलना है बच्चों हम लोगों को, सिस्टम वही रहेगा। चलिए पहले इस क्वेश्चन में करते हैं, 1 1 1 से डिवाइड करना है 8 8 8 को, पहले एक एक करके। 8 है, 8 हमारा छोटा है 111 से, तो यहाँ 0 फर्स्ट स्टेप में, स्टेप नहीं मिस करना है, 8 होगा। अब इस 8 को यहाँ पर, इस 8 को क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे 88 भी हमारा 111 से छोटा है तो यहाँ भी 0, फिर माइनस करोगे तो 88, अब ये वाला 8 यहाँ पर आएगा, 888 हमारा अब आ गया, अब ये हमारा है तो अब 1 है, यहाँ पर 1 यहाँ पर छोटा है, 8 हमारा बड़ा है, तो 1 का टेबल पढ़ेंगे तो 1 8 जा 8, तो 8 टाइम में अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 8 1 जा 8 8 1 जा 8 8 1 जा 8, और ये 0 हो गया, तो क्वेश्चन हमारा 8 हो गया, 8 1 यानी 8 वंस पर है, और रिमाइंडर हमारा 0 हो गया, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ हमको डिवाइड करना है 234 से, डिवाइड करना है 2808 को, स्टेप वही है, पहले 2 है, 234 से छोटा होगा तो 0, 2 28 भी छोटा है तो फिर 0, फिर माइनस करोगे तो 28, अब फिर यहाँ से 0 आ गया, 280 बड़ा है, 2 है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से पहले केवल 2 का टेबल पढ़ रहा है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 1 टाइम में ही आ गया ये, तो 1 टाइम में ही करेंगे तो 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, माइनस कर दीजिए, 10 में से 4 गया तो 6, 8 में से
एट अब रहा नहीं, बोरो दे चुका है, तो सेवन, सेवन में से थ्री गया तो फोर, ये हो गया जीरो। अब यहाँ तक हो चुका है, इसको हम लोग फॉरवर्ड कर चुके हैं, इसको फॉरवर्ड कर चुके हैं, अब ये बचे, इसको फॉरवर्ड करेंगे तो एट, तो टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू टू जा फोर, यहाँ टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू टाइम्स हो गया, तो टू से लगाएंगे तो फोर टू जा एट, थ्री टू जा सिक्स, टू टू जा फोर, जीरो हो गया, तो क्वेश्चन हो गया ट्वेल्व, क्वेश्चन हो गया मेरा ट्वेल्व, रिमाइंडर हो गया जीरो, क्वेश्चन इज ट्वेल्थ, रिमाइंडर इज जीरो। लाइक दिस हम लोग इस डिवीजन को करेंगे। चलिए एक और डिवीजन करते हैं। डिवीजन हमारा है 42,714 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 678। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि 42,714 डिवाइडेड बाय 678, तो इसे हम लोग डिवाइड करके देखते हैं कैसे करेंगे डिवाइड। सिस्टम वही रहेगा, यहाँ पर 678 लिखिए और यहाँ पे लिखिए 42,714, ठीक है। अब फोर छोटा है किससे, 600 से, तो जीरो जीरो माइनस करेंगे तो फोर, अब कैरी फॉरवर्ड होगा टू, 42 भी छोटा है 600 से, तो फिर जीरो, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 42, फिर अब फॉरवर्ड करेंगे 7 को तो 427, 427 भी छोटा है जीरो से, तो फिर जीरो लिखेंगे, ठीक है, तो करेंगे तो 427 हो जाएगा। अब इस पर वन यहाँ से फॉरवर्ड करेंगे, इस वन को लाएंगे, अब हो गया 4,270। तो यहाँ पर हम लोग अब सिक्स का टेबल पढ़ेंगे, तो सिक्स वन जा सिक्स, ये सिक्स का टेबल पढ़ना है, अब बड़ा हो गया तो सिक्स का टेबल पढ़िए, सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व, सिक्स थ्री जा एटीन, सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, सिक्स फाइव जा थर्टी, सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स, सिक्स सेवन जा फोर्टी टू। जब से सिक्स सेवन जा फोर्टी टू कहते हैं तो खाली सिक्स के लिए हो गया, लेकिन मेरे पास 78 भी है तो बड़ा हो गया, तो सिक्स सेवन जा नहीं लाएगा, उससे कम कर देंगे, तो सिक्स सिक्स जा क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, सिक्स सिक्स जा करेंगे और इसको सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए तो सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, सिक्स सिक्स जा 48, कैरी फोर, सिक्स सेवन जा 42 और 42 और फोर 46, कैरी फोर, सिक्स सिक्स जा 36 और फोर 40। अब इसको माइनस करेंगे, माइनस कर दीजिए, वन में से एट सब्ट्रैक्ट होगा तो बोरो लेंगे तो 11, 11 में से एट गया तो थ्री, बोरो दिया तो सिक्स, तो जीरो और हो गया टू, तो टू हो गया, ठीक है, हमारे पास आ गया यहाँ पर 4068, तो हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पर 203। यहाँ जगह नहीं है, हम बगल में यहाँ पर लिखते हैं 203। अब ये फोर बचा है, इस फोर को यहाँ पर हमने यहाँ डाल दिया। अब फिर अब सिक्स का टेबल पढ़िए, सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व, सिक्स थ्री जा एटीन, तो सिक्स थ्री जा एटीन, सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर बड़ा हो गया, तो सिक्स थ्री जा एटीन, गुना कर लीजिए, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, कैरी टू, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन और टू ट्वेंटी थ्री, कैरी टू, सिक्स थ्री जा एटीन और टू ट्वेंटी, जीरो 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 जीरो। इस प्रकार से आसानी से हमारा क्वेश्चन हो गया 63, रिमाइंडर हो गया 2, बड़े आसानी से हम डिवीजन को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमिलरली आप उसको भी बनाइएगा, मेरे प्रोसेस से बनाइएगा, यहाँ भी वही है, पहले वन स्मॉलर है, वन स्मॉलर है ये जीरो हो जाएगा, फिर वन आ जाएगा, फिर 19 होगा तो ये भी जीरो छोटा हो गया, फिर
एट उतारेंगे तो ये भी जीरो होगा, 198 है तो छोटा हो गया। फिर उतारेंगे सेवन, अब हो गया मेरे पास इतना 1987, ठीक है। चार जीरो के बाद 1987 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, तीन जीरो के बाद हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, जीरो लिखा तो फिर सेवन उतारा। अब हमारे पास 1987 है, अब नाइन का टेबल पढ़ेंगे, तो नाइन वन जा नाइन, नाइन टू जा एटीन, तो टू टाइम में लगा दिया, टू टाइम में लगाएंगे तो नाइन टू जा एटीन, एट टू जा सिक्सटीन, सिक्सटीन वन सेवनटीन, कैरी वन, नाइन टू जा एटीन नाइनटीन, घटा दिया यहाँ पर आ गया, सेवनटीन में सेट गया तो नाइन। और फिर अब एट यहाँ पर उतारा, 98 हो गया तो छोटा हिस्से तो यहाँ जीरो डाल दिया, फिर यहाँ जीरो डालेंगे, टू के बाद क्या डालेंगे जीरो, फिर ये वाला आ जाएगा तो हो गया 989, तो वन टाइम में लग जाना है इस तरीके से। तो देख रहे हो यहाँ पर इसमें क्या करता है बुक वाले में, कि एक बार मन है तो जीरो लिखता है, एक बार नहीं लिखता, इसलिए मैंने सिखाया कि नहीं हर बार जीरो लिखो, तुम्हें कभी गलतियाँ तुमसे नहीं होगी। तो मुझे लगता है आप सीख गए होंगे कि कैसे छोटे छोटे डिवीजन हमको बनाने हैं, बड़े आसानी से आप बना सकते हो। इसमें रिमाइंडर बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सेम हिसाब होगा, सेम प्रोसेस इसको भी करोगे, जो बचेगा अंत में वो रिमाइंडर हो जाएगा। चलो करके बताते हैं, 143 से डिवाइड करना है हमको 435 में, फिर वही जीरो, तो जीरो, फोर, 43 भी छोटा है, फिर जीरो, 43, अब उतर गया फाइव, अब आ गया यहाँ पर, तो वन का टेबल पर हम, तो वन वन जा वन, वन टू जा टू, वन थ्री जा थ्री, वन फोर जा फोर, वन फोर जा करेंगे, लेकिन यहाँ तो 40 भी है ना, 4 टेंज भी है तो बड़ा हो जाएगा, तो थ्री टाइम में लगाएंगे, ठीक है, थ्री टाइम में कर दो, तो थ्री थ्री जा नाइन, फोर थ्री जा ट्वेल्व, कैरी वन, थ्री वन जा थ्री और वन फोर, आप सब्ट्रैक्ट कर लो, 15 में से 9 गया तो 6, 2 में से 2 गया तो 0, ये 0, तो क्वेश्चन हो गया 3, रिमाइंडर हो गया 6। जैसे आप उसको कर रहे थे विदाउट रिमाइंडर वाले क्वेश्चन, विथ रिमाइंडर वाले में भी थोड़ा सा बच जाएगा। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। प्रॉब्लम होने पर आप मुझे व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, और आपको ये लेसन एक्सरसाइज 18 बनाने हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 7 क्वेश्चन से आप एक दिन में बना सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट डे वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी ऑफ क्लास 4, एंड वेलकम टू योर मैथमेटिक्स क्लासेस। वी लर्न लेसन 6, डिवीजन ऑफ नंबर्स, एंड टुडे वी हैव लर्न अबाउट द वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्विंग फॉर द डिवीजन ऑफ नंबर्स। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन 2460 मिनट्स। कह रहा है कि 2460 मिनट में कितने घंटे होते हैं। स्टूडेंट्स वी नो डैट इन एन आवर देयर आर 60 मिनट्स, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो यही हमने लिखा कि 60 मिनट्स मेक वन आवर। द टोटल नंबर ऑफ आवर्स इन 2460 मिनट इज 2460 मिनट डिवाइडेड बाय 60, फिर डिवाइड कर देंगे 60 से, डिवीजन तो आपको सिखा ही दिए हैं, तो चलिए डिवाइड करते हैं 60 से, मेरे तरीके से करो, 2460, याद है ना, जीरो करोगे फिर ये जीरो होगा तो टू होगा, फिर छोटा है तो फिर जीरो करोगे, फिर जीरो लिखोगे तो 24 होगा, बगल से 6 आएगा तो 6 4 जा 24, तो 4 करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर करोगे 24, यहाँ जगह नहीं, यहाँ लिखते हैं 2 4 6, तो 24, तो 0, तो 6 बच गया, ये 0 0, यहाँ से फिर अब 0 बचा है, 0 को लाओगे तो वन टाइम में 60, तो कितना हो गया 41, ठीक है, यही 41 हमारा आंसर आ गया। और लास्ट में हम आंसर लिखेंगे कि देयर आर 41 आवर्स इन 2460 मिनट्स। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज
372, वन नंबर इज 31, व्हाट इज द अदर नंबर? तो यहाँ लिखेंगे कि द अदर नंबर, यहाँ देखो एक एग्जांपल लेते हैं, 3 × 2 = 6, इसको प्रोडक्ट कहते हैं। एक नंबर हमको 2 मालूम है, दूसरा नंबर क्या होगा 3 होगा, तो क्या करोगे 6 में क्या करोगे 2 से डिवाइड करोगे, 3 आ जाएगा। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स, यहाँ प्रोडक्ट दिया हुआ है 372 और वन नंबर दिया हुआ है 31, तो सेकेंड नंबर हमको फाइंड करना है। सेकेंड नंबर फाइंड करना क्या करना होगा कि 372 को 31 से क्या कर देना होगा, डिवाइड कर देना होगा। चलो यही ये बात यहाँ लिखेंगे कि द अदर नंबर इक्वल टू 372 डिवाइडेड बाई 31। अब 31 से 372 को डिवाइड करो, 0 टाइम में 0, 3, 37 बड़ा हो गया, तो 1 टाइम में 31, 6, 2 फॉरवर्ड हुआ, 3 टू जा 6, तो 2 टाइम में 30 हो गया, कितना 12। तो यहाँ लिख देंगे, लास्ट में आंसर लिख देंगे, 12 आया तो लिखेंगे द अदर नंबर इज 12। यहाँ लिखेंगे कि द अदर नंबर इज 12, ठीक है। ऐसे ही यहाँ अगला क्वेश्चन है, इफ द डिवाइजर इज 25, क्वेश्चन इज 160 एंड रिमाइंडर इज 30, फाइंड द डिविडेंड। तो हमको फॉर्मूला मालूम है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर मेरा 25 है, डिविडेंड हमारा कितना है 60 है, और रिमाइंडर हमारा 30 है। तो चलिए अब इसको गुना करेंगे, 160 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 6 5 30 0, कैरी 3, 5 1 5 3 8। अब 10 वाले से तो 1 पे 0 करेंगे, और 10 से शुरू करेंगे तो 2 × 0 0, 6 × 2 12, कैरी 1, 2 1 2 1 3, 0 0 8 2 10, ये कैरी 3 1 4। तो यहाँ हमने लिखा इक्वल देकर के, यहाँ लिखेंगे 4 0 0 0, और प्लस कितना 13। यहाँ पर क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, तो मैं आवर आंसर इज 4013। सो सिंपल, देखो यहाँ पर बना हुआ होगा, पहले इसने गुना कर दिया, फिर इसने जोड़ दिया, यहाँ लिख दिया हमने कि डिविडेंड इक्वल टू 4013। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज डिविजिबल बाई 38। कह रहा है कि 4 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो 38 से डिविजिबल हो। तो हमको पता है कि द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इक्वल टू 9999। अब 9999 को क्या करेंगे हम लोग, 38 से डिवाइड करेंगे। डिवीजन का जो रूल हमने सिखाया है उसे आप डिवाइड कर लो, मेरे रूल से करना है। और जब रिमाइंडर जो आएगा तुम्हारा क्या आएगा, ये रिमाइंडर देखो, रिमाइंडर कितना आ गया 5, इस 5 को 9999 में से घटा देना, यानी रिमाइंडर को, क्वेश्चन को नहीं, किसको घटाना है, इस रिमाइंडर को इस लार्जेस्ट नंबर में से घटा दो। तो जो नंबर आएगा 9994, यह तुम्हारा आंसर होगा, जो 38 से सबसे बड़ा नंबर होगा, जो पूरा पूरा भाग लग जाएगा, ठीक है। तो एक रूल भी समझ लो कि जब लार्जेस्ट नंबर निकालना हो किसी भी डिजिट का, तो रिमाइंडर को घटा देते हैं। क्या कर देते हैं हम लोग, रिमाइंडर को घटा देते, जैसे यहाँ पर घटाया गया है। जब भी लार्जेस्ट नंबर निकालना होगा तो क्या कर लेना, रिमाइंडर को घटा देना, ठीक है। अब कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर के लिए, स्मॉलेस्ट नंबर में क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर में क्या करेंगे कि हम लोग फिर वही स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट निकालना है। तो 5 डिजिट का स्मॉल नंबर हमको पता होगा 10,000 होता है, तो 10,000 को 29 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना आ गया 24 आ गया। अब इसमें क्या करना है बच्चों कि जो रिमाइंडर 24 आया इसको डिवाइजर में से सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 29 में से 24 को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो क्या आया 5। और ये जो 5 आया रिमाइंडर को डिवाइजर से सब्ट्रैक्ट करो, क्लियर। और ये जो 5 आया, अब तुम्हारा जो डिफरेंस आया, इस डिफरेंस को स्मॉलेस्ट नंबर में ऐड कर दो, ठीक है। 10,000 में इस 5 को ऐड कर दो, इस वाले 5 को, तो नाउ 10,005 इज द राइट आंसर। तो इसका रूल एक बना, रूल क्या बना कि जब ये स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना हो, कौन नंबर फाइंड करना हो, स्मॉलेस्ट नंबर जब फाइंड करना हो, तो इसका रूल बना कि पहले डिवीजन कर लो, डिवीजन करके रिमाइंडर निकाल लो, रिमाइंडर को डिवाइजर में से घटा लो, रिमाइंडर को क्या कर लो,
रिमाइंडर को डिवाइजर में से घटाना है, ठीक है? ठीक है, डिवाइजर में से रिमाइंडर को घटा करके और क्या कर देना है, हमारे क्वेश्चन जो हमारा दिया था स्मॉलेस्ट नंबर, उस स्मॉलेस्ट नंबर में हमको जोड़ देना है। क्लियर? इतना आसान सा है। तो ऐसे ही एक्सरसाइज 19 जो है आपको पढ़ना है, समझना है, उसका लैंग्वेज लिखना है और आपको वर्ड प्रॉब्लम्स को बारी बारी से सॉल्व करना है। दूसरा तीसरा जितने भी क्वेश्चंस है बच्चों, आप बारी बारी से, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, ये 12 क्वेश्चंस है, तो 12 क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये डिवीजन का वर्ड प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा, बड़ी आसानी से आप बना सकेंगे। इसमें मेन जो दो चीज़ हमने सीखा कि जब लार्जेस्ट नंबर हमको निकालना है तो रिमाइंडर को लार्जेस्ट नंबर में से घटा देना है, स्मॉलेस्ट नंबर जब निकालना है तो स्मॉलेस्ट नंबर में क्या करना है कि डिवाइजर और रिमाइंडर के डिफरेंस को जोड़ देना है। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग। बाय बाय स्टूडेंट्स। हेलो हाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4 इन मैथमेटिक्स क्लासेस, एंड टुडे वी लर्न सिंप्लीफिकेशन। स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्न द रूल MAS, मैस। नाउ एड डी डी मैस। डी मैस इज द रूल। नाउ इन द सिंप्लीफिकेशन फर्स्ट यू डू डिवीजन, आफ्टर द डिवीजन यू डू मल्टीप्लीकेशन, देयर आफ्टर मल्टीप्लीकेशन यू डू एडिशन, एंड लास्टली यू डू इन द फोर्थ स्टेप सब्ट्रैक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? टू रिमेंबर द रूल डी मैस, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। नाउ सपोज डू दिस क्वेश्चन, डू दिस क्वेश्चन, पुट द इक्वल साइन इन फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट द रूल इज डी एम ए एस, तो फर्स्ट डी, वेयर इज द डी, हेयर एंड हेयर। इट्स इंक्लूड्स ऑलरेडी ऑफ, तो नाउ नाउ डीमैस मूव टू ऑड मैस। द फुल फॉर्म इज बॉड मैस बट I have no B, so odd mass. O means, firstly, explain the details of all. O D M A S. S for subtraction. A for addition. M for multiplication. D for division. And O for of. तो फर्स्ट डू
सीक्वेंस, फर्स्ट ऑफ, देन डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन ऐड एंड लास्टली यू सबट्रैक्ट। दिस इज द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ सिंप्लीफिकेशन। पहले आपको ऑफ का प्रोसेस करना है। ऑफ को हम लोग हिंदी में का भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? का। फिर डिवीजन का यानी भाग का, किसका? भाग का काम करना है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना का काम करना है। फिर एडिशन यानी हमको जोड़ का काम करना है। और सबसे अंत में सब्ट्रैक्शन यानी कि हमें घटाव का काम करना है। इस प्रोसेस को हमको याद रखना है, ऑड मास। ठीक है, याद रहेगा स्टूडेंट सबको। चलिए तो अब उस क्वेश्चन को बनाते हैं, क्योंकि इसमें ऑफ शामिल हो गया था तो इसलिए हमने आपको आगे थोड़ा सा के लिए हमने रोक दिया था वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले हम इक्वल का साइन देंगे। तो सबसे पहले ऑफ का काम होगा, अब बाकी हु बहु लिखाएगा इस स्टेप में। तो लिखिए 6+8 डिवाइड बाय 2-2 इंटू 1+। अब यहाँ पर हम लोग पहले ऑफ करेंगे। ऑफ का मतलब होता है प्रोडक्ट। तो 5 2 10 डिवाइड बाय 5। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने ऑफ का काम किया। किसका काम किया? ऑफ का। फिर इक्वल का साइन देंगे। ऑफ के बाद बच्चों डी है, तो डी कहाँ कहाँ है तो ढूंढो। डी यहाँ है और डी यहाँ है। इस बार इन दोनों का काम करेंगे। तो बाकी को लिख देंगे जैसे ही। 6 है तो 6 रह जाएगा, प्लस है तो प्लस रह जाएगा। 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 4 8 माइनस 2 × 1 प्लस। अब 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 2 10 तो ऑड हो गया। अब उसके बाद अगला स्टेप हमारा है किसके लिए? अगला स्टेप हमारा है m के लिए। तो यहाँ m का काम करेंगे। तो देखो m कहाँ कहाँ, m केवल एक जगह है। तो बाकी को हूबहू लिखेंगे। 6+4 − 2 1 2+2। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप हमारा होता है एडिशन का। किसका होता है? एडिशन का, ए का। तो इसको हम अरेंज करेंगे। पहले प्लस वाले को एक जगह, माइनस वाले को एक जगह। तो प्लस वाला कौन कौन है? तो 6 है प्लस वाला, 4 है प्लस वाला और 2 है प्लस वाला। अब माइनस वाला एक ही 2 है, तो माइनस वाला भी एक 2 हो गया। इसको आप जोड़ेंगे तो 6 4 10 10 2 12। अब माइनस 2 एडिशन हो गया। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे? अब अंतिम हमारा होगा सब्ट्रैक्शन का। किसका होगा? सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस। तो कर दो, 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना हो गया? 10। द राइट आंसर इज 10। दैट इज द स्टेप्स। ऑल स्टेप डू स्मूथली एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट फर्स्ट यू डू ऑफ, आफ्टर ऑफ यू डू डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। दिस इज द राइट प्रोसेस टू डू द सिंप्लीफिकेशन। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए क्वेश्चन हम लोग और करेंगे और अभी आपको समझ में आएगा। इसमें एक ही क्वेश्चन किया है, तो आइए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन इसी को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को बना करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 16 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 8 इक्वल टू का साइन देना है। पहले मैंने कहा कि ऑफ होता है तो बाकी को ऐसे उतारेंगे, डिवाइड करेंगे। 8 1 8 8 2 16। ऑफ के बाद डी का साइन तो डिवीजन होता है, 16 को 16 डिवाइड करेंगे तो 1 एंड 1 इज द योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम लोग एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं।
फाइव नंबर 20 डिवाइड्स टू माइनस 10 इंटू मल्टीप्लाई टू प्लस फाइव ऑफ फोर डिवाइड्स फाइव प्लस 20। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर फाइव। तो पहला जो काम होगा हमें क्या करना है, पहला हमें इक्वल का साइन देना है, और पहला होता है ऑफ का। तो ऑफ कहाँ पर है, केवल एक जगह है, तो बाकी को हूबहू उतारना पड़ता है। उतार ले, कॉपी करो। तो 20 डिवाइड्स 20 डिवाइड्स 2 माइनस 10 इंटू 2 प्लस ऑफ है तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 फोर जा 20 डिवाइड्स 5 प्लस 20, और फिर इक्वल का साइन दो ऑफ के बाद। रूल याद है ना, चलो एक बॉक्स में रूल यहाँ लिख ही देते हैं, ओ डी एम ए एस। तो हम लोगों ने ओ का काम कर लिया है, तो अब क्या करेंगे, डी का काम करेंगे। तो देखो खोजो डी कहाँ कहाँ है, तो डी यहाँ है और डी यहाँ है, दो जगह डी है, तो डी का काम करना है। तो 2 को 20 से डिवाइड करो, तो कितने टाइम्स में, 10 टाइम्स में, कितना हो गया 10। अब माइनस उसको लिखेंगे हूबहू, जो नहीं काम करेंगे उसको लिखना होता है, 10 इंटू 2 प्लस है तो प्लस, अब 5 से डिवाइड करेंगे 4 को, तो 5 फोर जा 20, तो 4, अब जो बच गया उसको लिख दो 20, वो भी हो गया। अब अगला क्या है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई हमारा कितने जगह है, तो एक जगह है, अगला स्टेप में मल्टीप्लाई करो, बाकी को लिख दो 10 माइनस 10 टू जा 20 प्लस 4 प्लस 20, मल्टीप्लाई भी ख़त्म। अब क्या करना है, एडिशन करना है। एडिशन में हम क्या बता, तो दो स्टेप में करेंगे, पहले सभी प्लस वाले को एक जगह, सभी माइनस वाले को एक जगह। तो प्लस वाले को एक जगह करो, 10 प्लस 4 प्लस 20 और माइनस 20, अब ऐड कर दो, तो 10 फोर 14 और 14 20 34 और माइनस 20, और लास्ट में हम लोग एडिशन का काम भी ख़त्म है। अब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे, इक्वल टू का साइन देंगे, 34 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 और 1 14, द 14 इज द राइट आंसर। लाइक दिस वे यू डू ऑल द स्टेप, पहले ऑफ करना है, फिर ऑफ के बाद ऑफ करो, फिर डिवीजन करो, फिर मल्टीप्लिकेशन करो, फिर एडिशन करो, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन करो, यानी हर स्टेप को एक बार। ये ऑफ का स्टेप है, ये डिवीजन का स्टेप है, ये मल्टीप्लिकेशन का स्टेप है, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई हो गया होकर के, और यहाँ पर हमने ऐड किया, ऐड का रिजल्ट आकर के यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो यहाँ हमारा आंसर हो गया, सब्ट्रैक्शन के बाद हमारा आंसर आ गया। दिस इज़ द राइट वे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रॉब्लम जो है सिंप्लीफिकेशन का अच्छे सब समझ में आ गया होगा, आप सिंप्लीफिकेशन के प्रॉब्लम को समझ गए हैं। तो अब आप ये जो एक्सरसाइज है जिसका नाम 20 है, इसमें 10 क्वेश्चन है, इस 10 क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग एंड मीट टुमारो विद द लास्ट एक्सरसाइज। डियर स्टूडेंट्स, आज आप इसे एक होमवर्क के रूप में कर लीजिए, इसमें हमें मुझे कुछ नहीं बताना है, वर्ड प्रॉब्लम ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका है, तो आज इसे एक दिन में इसको करिए, और कल आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, वर्ड प्रॉब्लम्स को, और जैसे जैसे जो काम कहेगा उस काम को आप करिएगा। यदि फिर भी कोई दिक्कत होगी तो मुझसे पूछिएगा। तो इसे एक दिन में एक्सरसाइज 20 बनाइए और एक दिन में एक्सरसाइज 21 बनाइए। तो इसी के साथ हमारा आज जो है, आज का वीडियो भी समाप्त होता है, और इस वीडियो के साथ साथ हमारा जो लेसन्स हम लोगों ने 7 जो पढ़ना शुरू किया था, ये लेसन 7 जो हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था, डिवीजन ऑफ नंबर्स, तो लेसन 7 डिवीजन ऑफ नंबर भी इसी के साथ हमारा समाप्त हो जाता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। बोलने से पहले एक बार और बता दें बच्चों,
कि लेसन केवल 7 समाप्त नहीं हुआ, टर्म 1 का सिलेबस भी आज यहीं पर समाप्त हो गया। तो टर्म 1 में गणित में हम लोगों को लेसन 1 से 7 तक पढ़ना था, जिसमें एक्सरसाइज 1 से लेकर के 21 तक हम लोगों को सॉल्व करने थे। तो ये टर्म 1 का सिलेबस हो गया। किसका सिलेबस हो गया? टर्म 1 का, जो अप्रैल मई और जून का होता है। इस बार लॉकडाउन के कारण ऑफलाइन क्लासेस स्कूल में नहीं हो पाई, सारे क्लासेस ऑनलाइन पढ़ाए जा रहे हैं। तो आज ऑनलाइन क्लास में हम लोगों ने क्लास 4 के गणित का टर्म 1 का सिलेबस पूरा कर लिया है। हम लोगों ने लेसन 1 से लेकर लेसन 7 तक पढ़ लिया और इसमें एक्सरसाइज 1 से लेकर के 21 तक हम लोगों ने बना लिया। ठीक है बच्चों, स्कूल खुलने का इंतज़ार कीजिए। स्कूल यदि जल्दी खुलती है तो आपकी परीक्षाएं स्कूल खुलने के कुछ ही दिनों के बाद हो जाएगी। यदि स्कूल खुलने में सरकार की ओर से विलम्ब किया जाता है तो हम लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग कर करके आप लोगों के लिए ऑनलाइन परीक्षा की व्यवस्था करने में भी लगे हुए हैं, जिससे कि आपके एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन हो सके। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो के साथ, अगले विषय के किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।